हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना डीआईवाई होम लाइफ। यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत ही प्यारे डीआईवाईज, मेकओवर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, पेंटिंग्स, आर्टवर्क्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स, हैंडमेड डीआईवाई क्राफ्ट आइडियाज़। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर, बहुत सारे लोग हम सब बाहर से शॉपिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं बाहर से शॉपिंग ना करके मैं घर पर ही सारी आइटम्स बनाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सा एक कार्डबोर्ड लिया है, जो भी अपना कोई शू बॉक्स हो, कोई भी किसी भी तरीके का आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं। उसके ऊपर आप फेविकोल स्टिक कीजिए, देन आपके घर में जो भी टिश्यू पेपर हो आप टिश्यू पेपर को इसके ऊपर स्टिक कर दीजिए। इससे बेसिकली क्या होगा, जो आपका कार्डबोर्ड है उसके ऊपर एक टेक्स्चर आ जाएगा पेपर का, जिसके बाद हम अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं इसके लिए जो मैंने ग्लू लगाई है वो नॉर्मल फेविकोल ग्लू ही लगाई है। आप चाहे तो डेकोपाज ग्लू भी लगा सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। आप देख सकते हैं कि ड्राई होने के बाद इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली एक्रेलिक कलर मैं यहाँ पर क्रिम्सन रेड ले रही हूँ, आप चाहे तो मरून भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके सूखने के बाद मैं यहाँ पर बेसिकली शुभ लाभ का एक साइन बोर्ड बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन एक्रेलिक कलर लिया है, उससे मैं हिंदी में शुभ और लाभ लिखूँगी। आप चाहे तो कोई भी 3D कोन लाइनर या फिर आप कोई भी जो ग्लिटर आती है मार्केट में वो यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर के ऊपर कितना अच्छा लुक आ रहा है गोल्डन का। नेक्स्ट मैं इसको और डेकोरेट करने के लिए जो मार्केट में अपने बीट स्टिकर्स मिलते हैं फ्रेंड्स, मैंने वही यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले गोल्डन वाले यूज़ किए हैं, अभी मैं यहाँ पर सिल्वर स्टोन वाले स्टिकर्स यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं चारों तरफ लगा दूँगी ताकि जो मेरा डेकोरेटिव आइटम मैं बना रही हूँ वो अच्छे से डेकोरेट हो जाए और एक सिमेट्री सी बन जाए। सेम प्रोसीजर मैं इस पर भी फॉलो करूंगी ताकि मेरा ये वाला जो मैं बना रही हूँ ये और भी डेकोरेट हो जाए। यहाँ पर गोल्डन कलर से मैं थोड़ा सा मंडला डॉट टूल्स जो अपने रहते हैं उनसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। आप देख सकते हो मैंने एक हल्का सा फ्लावर बनाया है, बहुत ही सिंपल सा फ्लावर है ये, आप भी इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी डॉट्स बना दीजिए, थोड़े से स्टिकर्स लगा दीजिए। देखिए आपका शुभ लाभ का साइन बोर्ड रेडी हो गया है। इसको बाद में सूखने के बाद मैं वार्निश कर लूँगी ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। और फ्रेंड्स, बाद में आप इसके पीछे कोई भी सेलो टेप या डबल टेप या मास्किंग टेप लगा के आप इसको वॉल पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए मैंने कितने आसानी से घर पर बनाया है ये और बहुत अच्छा ही लग रहा है। तो आप इसको किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी कलर में अपने ही घर पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट DIY बनाते हैं फटाफट से।
सेकेंड DIY के लिए मैं यहाँ पर एक रंगोली बेस्ड कैंडल होल्डर बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कैनवस क्लॉथ, जो भी मार्केट में हमें बुकरम जिसको बोलते हैं वो मिलती है। पहले हम वो लेंगे, उसको हम सर्कल शेप में कट कर लेंगे। सर्कल शेप में कट करने के बाद ही हम उसके ऊपर बाकी का जो भी एम्बेलिशमेंट्स हैं वो लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी जो अपने गोल्डन पेस्ट रहते हैं कैंडल होल्डर्स वो, और मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ पॉम पॉम्स मंगवाए थे और कुछ डेकोरेशन के एम्बेलिशमेंट्स मंगवाए थे, वो चाहिए हमें। आप कोई भी कलर के पॉम पॉम्स यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आप डेकोर एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये वाले पॉम पॉम्स मेरे को मिले हैं। तो चलिए फटाफट से अब इसके ऊपर हम पहले कैंडल होल्डर स्टिक करते हैं सेंटर में। कैंडल होल्डर को स्टिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रीन कलर के पॉम पॉम्स कैंडल होल्डर के आसपास लगाऊंगी ताकि एक राउंड पैटर्न बन जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट कलर के पॉम पॉम्स इसके अराउंड स्टिक करूंगी। यहाँ पर सारे पॉम पॉम स्टिक हो जाने के बाद मैं गोल्डन कलर के जो अपने मार्केट में डिटेलिंग लेसेस मिलती हैं फ्रेंड्स, मैं वो स्टिक कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से स्टिक करूँगी ग्लू गन की हेल्प से। इसकी 2 लेयर्स में स्टिक करूंगी ताकि इसका अच्छा इफेक्ट आए। अभी कैनवस क्लॉथ को बेस देने के लिए यहां पर आप किसी भी तरह का जो अपना कार्डबोर्ड रहता है उसको नीचे से राउंड शेप में कट करके इसके ऊपर स्टिक कर दीजिए। आप कोई भी हार्ड बेस्ड कार्डबोर्ड ले सकते हैं या फिर आप कोई भी लाइट वेट ले सकते हैं, जैसा आपके पास हो। लेकिन अगर आप लाइट वेट कार्डबोर्ड ले रहे हैं तो प्लीज़ आप उसकी 2 लेयर स्टिक कीजिए ताकि नीचे से उसका बेस जो है वो काफ़ी थिक रहे, ताकि उसको होल्ड करना ईजी हो जाए। और बाद में इसके ऊपर ग्लू गन लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और जो आप देख सकते हैं कि स्टिक होने के बाद इसके अंदर हम कैंडल लगाएंगे, और कोई नहीं बोल सकता कि ये मार्केट से नहीं लिया हुआ आपने। हर कोई देख के यही बोलेगा कि इसको आपने मार्केट से ही बाय किया है। आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने सेट रेडी कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने एक और रंगोली स्टाइल पैटर्न में एक कैंडल होल्डर बनाया है फ्रेंड्स, उसकी वीडियो नहीं मैं शूट कर पाई। तो मेरे पास जो कैनवस क्लॉथ पे मैंने बनाया था आप देख सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड पर स्टिक कर दिया है, और ये भी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यूनिक लग रहा है। देखिए कैसे झटपट मिनटों में 2 कैंडल होल्डर्स रेडी हो गए हैं, और कोई भी देख के ये नहीं बोलेगा कि आपने इसको मार्केट से बाय किया है। ये भी मैंने खुद घर पर ही बनाया है। देखिए कैसे मिनटों में रेडी हो गया, और सिंपल कार्डबोर्ड क्राफ्ट्स बनाए हैं हमने। यहां पर आपको सबसे पहले एक ओल्ड CD लेनी है, उसके बाद उस CD के ऊपर हम कैंडल होल्डर
का पोजीशन मार्क कर लेंगे और बाद में चॉक पेंट से उसको बेस पेंट देंगे ताकि जो हमारी सीडी है उसका बेस कोट रेडी हो जाए। फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और ड्राई होने के बाद इसको हम बाद में इसके ऊपर ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर मैं इस राउंड शेप की सीढ़ी के ऊपर ब्लैक कलर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली मैं मंडाला आर्ट करने वाली हूँ। मंडाला आर्ट के लिए मैंने यहाँ पर इसको ब्लैक कलर का बेस दिया है। मेरे पास यहाँ पर 2 सीडीज हैं, दोनों के लिए मैं सेम ही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। देखिए, 2 सीडीज रेडी हो गई हैं ब्लैक कलर के बेस के साथ। अभी यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर्स लूँगी और साथ में आपके पास घर में कोई भी राउंड शेप वाले पेंसिल्स, ईयरबड्स या फिर कोई भी पेंस वगैरह हो, अगर आपके पास डॉट आर्ट टूल्स हैं तो आप उनकी हेल्प से मंडारा आर्ट का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आप एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ कीजिए क्योंकि उनका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है और आप अपना कलर जो स्कीम है आपकी, आप उसको फॉलो करते जाइए तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बाद में इसके ऊपर से सूख जाने के बाद इसको थोड़ी सी ट्रेलिंग और ऐड कर दीजिए और बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने सेकंड सीडी को भी ब्लैक बेस कोट दे दिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक्रेलिक कलर्स यूज़ करके अगेन मंडाला आर्ट ही बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर अभी डॉट आर्ट टूल्स यूज़ किए हैं। अगेन एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ और रैंडम सा पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर डॉट का बड़ा साइज रखने के लिए मैं ग्लू गन की स्टिक का बेस यूज़ कर रही हूँ और बाद में इसको और डेकोरेटिव और इसकी डिटेलिंग को ऐड करने के लिए मैं सिंपल छोटी छोटी डॉट्स बना रही हूँ मंडाला आर्ट टूल्स के साथ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी जो लुक है वो कंप्लीट लुक आए। और बाद में इसको ड्राई अप होने के बाद मैं वार्निश अप्लाई करूँगी। वार्निश से जो इसका बेस है वो बहुत ही ज़्यादा शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज़ कर देगा। और आप देख सकते हैं कि ये अभी इसमें ही कैंडल रखी हुई है कितने ब्यूटीफुल लग रही हैं और हमारी ओल्ड सिटी को भी हमने रीयूज़ कर लिया है। कैसे घर पर ही मिनटों में हमने दिवाली क्राफ्ट्स बना लिए हैं, दिवाली के लिए कैंडल होल्डर्स बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल कैंडल होल्डर बन के रेडी हुआ है। यहाँ पर काम बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको सिंपली जो मार्केट में कैंडल होल्डर्स मिलते हैं उनके ऊपर आपको सिंपल पॉम्पम स्टिक करने हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारे बहुत ही इजीली विद इन अ मिनट ये आपके कैंडल होल्डर्स बनकर रेडी हो जाएंगे।
यहाँ पर मैंने अपनी बहुत ही सारे कलर्स के, देख सकते हैं आप, रंग बिरंगे मैंने कैंडल होल्डर्स बनाए हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनका फिनिश भी बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं कि नहीं लग रहा कि जैसे कि ये हम मार्केट से लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कैसे फटाफट से कार्डबोर्ड की हेल्प से हमने बहुत ही क्यूट से DIYs बनाए हैं, होम डेकोरेशन क्राफ्ट्स बनाए हैं दिवाली के लिए। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।